नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, हमारी ये स्टूडेंट है और देखिए हम पढ़ाने के साथ साथ फ़न भी ज़रूरी है। फ़न ज़रूरी है, मतलब फ़न का मतलब ऐसा नहीं कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब दोस्तों पढ़ाने के साथ साथ वी होना चाहिए, एक समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ते कैसे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम स्ट्रिक्ट हैं क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें शिक्षा कैसे मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये थोड़ा आपको एक अलग वे में बताएंगे। देखिए हमारा वे ट्रेसिंग ही है, हमारा वे समझाना ही है। समझ में आ रहा है? हम आपको एक सर्किट के बारे में बताना चाहते हैं, हेडफोन। अब ये कैसा भी वे हो सकता है, कैसा भी लैंग्वेज हो सकता है, हमें समझ में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का वे हो। समझ में आ रहा है? तो हमारे एक स्टूडेंट है, ये अपने अलग अंदाज में एक हेडफोन के बारे में समझाएंगे कि हेडफोन में हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हेडफोन को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी ये स्टूडेंट बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो ये इनका अलग अंदाज है बताने का, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ऐसे पढ़ाना चाहते हैं एज अ स्टिक, नहीं कि हम एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट, हम आपको मिलके पढ़ाना चाहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको समझने के लिए, हमारे स्टूडेंट कहाँ से हैं, आप नाम बताइए। सर मैं कुल्टी से हूँ, आसनसोल कुल्टी। मेरा नाम मनोज शर्मा है। ठीक है, तो आप अब बताएंगे कि हेडफोन का काम कैसे होता है, हेडफोन का वर्क क्या है और प्रॉपर क्या कैसे करना है। तो आप एक अलग अंदाज में बताने वाले हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों मैं नाना पाटेकर की आवाज में बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा है, इधर ध्यान से देखना, ठीक है, दिमाग में घुसा लेना, मैं जो बताऊंगा सबको समझ में आना चाहिए। ये देखो, ये हमारा हेडफोन जैक है, इसमें 6 पिन होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये अकेला ही होता है, बोलते हैं ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। ये शेर है, ये ग्राउंड मिलेगा आपको। अच्छा है, उसके बगल में आपको मिलेंगे जीजा साला, ठीक है, जीजा और साला, ठीक है, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। ये हमारा डिटेक्शन पिन है, यहाँ पर डिटेक्ट करेगा, जब हम लोग हेडफोन जैक को लगाएंगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज बनती है जो कि हमारा सिग्नल देता है सीपीयू को, और हमारे सिंबल आते हैं डिस्प्ले में, दिखाता है कि हेडफोन जैक डिटेक्ट हो गया। अच्छा है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। और इसमें फोल्ड आती है, मुश्किल दो तरह की फोल्ड आती है, एक तो हमारा हेडफोन जैक काम नहीं करता, ठीक है, और दूसरा फोल्ड आता है कि हेडफोन का सिंबल बना रहता है। हम लोग दोनों को मिटाएंगे, कैसे मिटाएंगे हटाएंगे सब ध्यान से देखते हैं। अच्छा है, इधर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ये शेर है भाई, शेर से उलझना नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जीजा साला है, इसको हम लोग पहले चेक करेंगे, हेडफोन जैक को लगाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज बनती है कि नहीं, ठीक है, अगर बनती है तो ठीक है, तब तो हमारा हेडफोन जैक काम कर रहा है, सही है। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें फोल्ड का सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें अच्छा है, इसमें दो तरह के फोल्ड आते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि हेडफोन जैक का सिंबल बन रहा है और दूसरा हेडफोन जैक लगा रहे तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडफोन जैक को रिप्लेस करेंगे, अगर काम बनता है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग फिर ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बैटरी लगा दिया, मोबाइल को ऑन करेंगे, ठीक है, अच्छे से ऑन करना भाई, कम वोल्टेज वाला बैटरी मत लगाना, बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अच्छा इधर देखो, ध्यान से आ जाओ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्वीजर लेंगे, ट्वीजर के एक प्रॉपर ग्राउंड को छोड़कर भाई, शेर शेर से उलझना नहीं है बेटा, काट उखलेगा, ठीक है, अलग चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोगों का जो ट्वीजर है, तो एक पिन यहाँ पर रखेंगे, एक पिन यहाँ पर रखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे, और फिर शॉर्ट करने के बाद देखते हैं ये जाता है कि नहीं, नहीं जाएगा, अच्छा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप क्या बता रहे हैं, बाईपास सोल्यूशन बता रहे हैं? यस सर, हाँ सर, और आप हमें उससे पहले ये बता दीजिए कि उससे पहले आपको अगर मान लीजिए सपोज परफेक्ट काम करके देना है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सब में हम लोगों को रीडिंग चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इधर हम लोग सबको ट्रेस करना पड़ेगा, सारा पिन हो गया है कि नहीं, वोल्टेज आ रही है कि नहीं, बन रही नहीं, तब हम लोगों का काम परफेक्ट होगा। अभी मैं आपको बाईपास बता रहा हूँ, सबसे पहले ट्विजर लेकर दोनों को मिलाएंगे, देखते हैं ये हाथ मिलाता है कि नहीं, भाई दुश्मनी होगा तो हाथ नहीं मिलाएगा, तो हम लोगों का सिंबल है हटेगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दोनों को मिला देंगे, बोलेंगे भाई भाई हाथ मिला, नहीं मिलाता कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर दोनों को हम लोग सोल्ड करके देखते हैं, हाथ मिला लिया, अच्छा बात है, मतलब ये लोग डिग्री दोस्त है, इन लोगों को मिलाना चाहिए ना, तो यहाँ से उठा के यहाँ जंपर मार देंगे, हम लोगों का हेडफोन सिंबल हट जाएगा। वेरी गुड, ये एक पहली ट्रिक थी बाईपास की। अब ये दूसरी ट्रिक भी है, हमने आपको दूसरी ट्रिक भी बताई है, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट काम करना है तो क्या करना है सर? परफेक्ट काम करना है तो सर सबके हम लोग को चेक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो आता है रीडिंग आता है, कुछ ना कुछ नहीं रीडिंग आती है, रीडिंग आपको फाइंड करना है। मैं नहीं बताना चाहता था, वरना मैं बता देता कि रीडिंग चेक करनी होगी तो सब लोग को रीडिंग चेक करने लगे थे, तो हो गया सर जी। चलिए ठीक है, मतलब एक अच्छा काम करने के लिए आप अच्छा वर्क करना पड़ेगा, अच्छा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका जी सर, अच्छा ध्यान से देखना, दूसरा तरीका दिमाग में नहीं दिल में आना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगेगा। ये हमारा वीबेट का लाइन है,
हम लोग फिर से ट्वीजर लेंगे, मोबाइल को पहले ऑन करेंगे और हेडफोन सिंबल है तो देख लेंगे, तभी तो हटाएंगे यार, रहेगा तभी ना। तो फिर हम लोग ट्वीजर के एक पिन को यहाँ रखेंगे और वीबेट से टच करेंगे, देखते हैं ये हाथ मिलाता है कि नहीं। अगर हाथ मिलाएगा तो अच्छी बात है, सिंबल हट जाएगा, क्योंकि भाई बिछड़े हुए भाई थे, ठीक है। इन दोनों को फिर मिला देंगे। फिर दूसरे हम लोग दूसरे टिप से हेडफोन के वीबेट यानी कि प्लस वाले पिन को हम लोग टच करेंगे, देखते हैं ये हाथ मिलाता है कि नहीं। हाथ मिलाएगा तो फिर यहाँ से लोग जंपर मारेंगे और हम लोगों का सिंबल हट जाएगा। तो दूसरा बाईपास सॉल्यूशन ये है, देखो इधर क्या होगा। हम लोग ट्वीजर लेंगे, ट्वीजर के एक प्रोब को यहाँ रखेंगे और दूसरे प्रोब को भी यानी कि बैटरी के प्लस वाले आइकन पर रखेंगे और देखते हैं कि सिंबल हटता है कि नहीं। हट गया तो अच्छी बात है, और नहीं हटा तो फिर दूसरा तरीका है। यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसको, हम लोगों का जो ट्वीजर का पॉइंट है, और इसको फिर भी बैट से टच करेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको टच करेंगे। अगर भी अगर ये इस पे टच होती है और हमारा हेडफोन सिंबल हट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इस पे जम्पर दे देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटा आइकन बजा देना, और दिल में कुछ बात हो तो नीचे कमेंट कर देना मेरे दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग तो यार ऐसे टेलीकॉम जैसे इंस्टीट्यूट को जरूर अपनाना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जीरो से हीरो बनाया जाता है, जैसे अभी मैं बना। इंडिया का नंबर कौन है? इंडिया का नंबर कौन है? धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।